हेलो एवरीवान सो नाउ वी विल बी गोइंग फॉर द अदर चैप्टर मटीरियल कॉस्ट कंट्रोल अब मटीरियल कॉस्टिंग में आपको तरह तरह के कैलकुलेशन्स करने पड़ते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो मटीरियल कॉस्टिंग छह हिस्सों में बट सकता है मतलब ये पहला पार्ट आएगा। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमने ये पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है EOQ. तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक लेवल चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेफ्टी स्टॉक कंसेप्ट फिर इसमें एबीसी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए विच इज एक्चुअली थियोरी बट फिर भी हमने एक सम तो सॉल्व कर ही दिया है इन द टेक्सट बुक एंड बेसिकली द लास्ट पार्ट इज स्टॉक वैल्यूएशन जो सबसे लास्ट पार्ट है अब कॉस्टिंग का मतलब क्या है सी वेन एवर यू चार्ज कॉस्ट ऑफ मटीरियल टू द कस्टमर यू शुड नो विच एक्सपेंसिस यू मस्ट एड विच एक्सपेंसेस यू शुड नोट तो अगर मैं मटीरियल कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं मटीरियल कॉस्ट की बात करूं तो मटीरियल कॉस्ट कैन बी स्प्लिट इन टू टू कैटेगरीज मटीरियल कॉस्ट कैन बी स्प्लेट इन टू टू कैटेगरीज एक होती है बाइंग कॉस्ट एक होती है बाइंग कॉस्ट और एक होती है असोसिएटेड कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग एक बाइंग कॉस्ट है और दूसरी एसोसिएटेड कॉस्ट है बाइंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। मटेरियल एक लाख रुपए का खरीदा तो आपके लिए मटेरियल कॉस्ट एक लाख रुपए अगर आप उस पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च करते हो दस हजार तो आपके लिए मटेरियल कॉस्ट होगी एक लाख दस हजार बिकॉज इफ यू डोंट पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन फगेट अबाउटिंग लाख रुपए का मटीरियलेशन के नाम पे तो आपके मटीरियल की कॉस्ट होगी एक लाख दस हजार ड्यूटी पे की है पचास हजार तो आपके मटेरियल की अब कॉस्ट होगी एक लाख साठ हजार लेकिन ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है if क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर सकते हो लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इसका मतलब आप जो ड्यूटी और टैक्स पे कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट होने वाली है या फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पे उसका रिफंड मिलने वाला है या किसी और पेमेंट के सामने उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा दैट मींस इट इज वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट आउट ऑफ योर ओन पॉकेट सो अगर आपके जेब से पैसा नहीं जाता तो वो आपके जेब में लाने का आपको कोई हक नहीं है so,

इसके लिए हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फ्रॉम जेके मटेरियल सी मटीरियल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अब रही बात एसोसिएटेड कॉस्ट की तो एसोसिएटेड कॉस्ट इज स्प्लिट इनटू टू मोर पार्ट्स असोसिएटेड कॉस्ट इज स्प्लिट इनटू टू मोर पार्ट्स एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट एक होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट दूसरी होगी कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपका स्टोरेज या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर आपके प्रोडक्ट को ऑप्सोलूट होने का रिस्क ये तीन चीजें जब आप क्लब करते हो आपको मिलती है कैरिंग कॉस्ट अगर मैं दस हजार किलो खरीदता हूँ तो दस हजार किलो मुझे स्टोर करना पड़ेगा मुझे उसको स्टोर करने का मतलब ला के सीधा डम कर दिया ऐसा नहीं होता इट मे नीड रेफ्रिजरेशन इट मे नीड एयर कूलिंग इट मे नीड कंट्रोल टेम्परेचर तो मुझे उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा स्टोर करने के टाइम पे मुझे इंश्योरेंस भी कर लेना पड़ता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक चीज़ होती है इंश्योरेंस प्रीमियम विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ बेस एज अ एज अ कॉस्ट तो स्टोरेज इंश्योरेंस स्टोरेज रेंट, जो वेरिएबल में, वो सारी चीजें मैं तो मैं तो मैंने दस हजार किलो के बदले पंद्रह हजार किलो मंगाया होता तो मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पंद्रह हजार का लेना पड़ेगा मुझे पंद्रह हजार का देखना पड़ेगा तो मेरे लिए वो कॉस्ट कैरिंग दूसरा अगर मैं पंद्रह हजार किलो मटेरियल खरीद रहा हूं तो मेरा पंद्रह हजार किलो का पैसा ब्लॉक हो गया अगर यह पैसा मैं ब्लॉक नहीं करता अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो यह पैसा मेरे पास होता और मैं कहीं कहीं ना इसे इन्वेस्ट कर पाता सो so, अगर मुझे मार्केट में दस परसेंट मिलता है रिटर्न और अगर एक किलो की प्राइस दस रुपया है तो पंद्रह हजार किलो खरीदने के वजह से मेरा 15000 किलो मल्टीप्लाइड बाय 10, वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ब्लॉक हो गया होगा और मेरा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब अभी वन लैख फिफ्टी में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता सो कैन आई से वन लैख फिफ्टी ब्लॉक होने से आई डोंट हैव दैट वन लैख फिफ्टी विथ मी मेरा पैसा ब्लॉक हुआ मैं डेढ़ लाख कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता 1.5 लाख कहीं इन्वेस्ट कर सकता तो आई एम लूजिंग आई एम सेक्रीफाइसिंग टेन ऑफ वन पॉइंट ये होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट सो सबसे पहले स्टोरेज उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फिर होता है प्रोडक्ट ऑप्सुलिट होने का रिस्क फिर होता है प्रोडक्ट ऑप्सुलिट होने का रिस्क रिस्क तो है ही आप ज्यादा खरीदोगे दस हजार किलो उसके बदले अगर लाख किलो खरीद लिया आपने पूरे साल का एक साथ खरीद लिया तो 365 डेज उसको चलाना है 12 मंथ्स उसको चलाना है

ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस, यह भी तो हो सकता है मुझे हर ऑर्डर देने के लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉस्ट आएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस आएंगे प्लस हो सकता है कि हर ऑर्डर के बाद मुझे इंस्पेक्ट करके मटेरियल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आ सकती है हर एक ऑर्डर के बाद प्लस मुझे पोर्टर की जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों की फॉर लोडिंग अनलोडिंग सो दैट विल बी कॉल्ड एज मटीरियल हैंडलिंग चार्जेस अब ये सारे जो खर्चे हैं ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर में इंक्रीज डिक्रीज होता है मुझे हर एक ऑर्डर के लिए रिक्विजिशन सेंड करना पड़ता है सप्लायर्स को सप्लायर्स मुझे कोटेशन भेजेंगे कोटेशन भेजने के बाद उसमें से बेस्ट वन विल बी सिलेक्टेड एंड देन द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑफिशियली इस सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन आता है और अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता है तो एटलीस्ट मेल भी अगर यूज करते हो तो भी वाई कनेक्शन टेलीफोन एक्सपेंसिस तो इनकर होता ही है प्लस हर एक डिलीवरी के लिए मैं इंस्पेक्शन अगर टीम बिठाता हूं क्योंकि मुझे आई वांट टू सिक्योर माय क्वालिटी तो हर एक ऑर्डर के लिए देर विल बी इंस्पेक्शन कॉस्ट तो अगर साल में दस ऑर्डर आते हैं तो दस बार इंस्पेक्शन होगा बीस ऑर्डर आते हैं तो बीस बार इंस्पेक्शन होगा पांच ऑर्डर आते हैं तो पांच बार इंस्पेक्शन होगा दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के वजह से चेंज होती है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर होता है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी फॉर अनलोडिंग द मटेरियल फ्रॉम द ट्रक एंड लोडिंग इट इन द वेयर हाउस अब दस बार अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा तो दस बार मुझे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी पंद्रह बार ऑर्डर प्लेस किया तो पंद्रह बार जरूरत पड़ेगी तो ये सारे खर्चे जो है ये क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते नंबर रिपीटेशन पे डिपेंडेंट हो दस ऑर्डर प्लेस करो तो यह खर्चा दस बार आएगा पंद्रह ऑर्डर प्लेस करो तो यही खर्चा पंद्रह बार आएगा पांच ऑर्डर सिर्फ प्लेस कर दिए तो यही खर्चा सिर्फ पांच बार आएगा so, और दोनों मिलके हो जाती है और दोनों का आपस में एक रिश्ता है प्लीज ट्राई टू दिस देखो अगर मुझे पूरे साल भर में एक लाख किलो का मटेरियल खरीदना है अगर मुझे पूरे साल में एक लाख किलो का मटेरियल खरीदना है हर एक बार ऑर्डर प्लेस करने जाऊंगा तो सौ रुपया खर्चा आएगा हर एक बार ऑर्डर प्लेस करने जाऊंगा तो सौ रुपया खर्चा आएगा और एक किलो पूरे साल भर स्टोर करने का खर्चा एक किलो पूरे साल भर स्टोर करने का खर्चा बीस रुपया विच इज माई कैरियस एक लाख किलो एक लाख किलो मुझे चाहिए पूरे साल भर के लिए ओके okay. एक ऑर्डर वन ऑर्डर कॉस्मी हंड्रेड एंड एक किलो को पूरे साल भर स्टोर करने के लिए मुझे बीस रुपया खर्चा आता है अब मेरे पास ऑप्शन क्या है देखो मैंने दस हजार किलो खरीद लिया एक झटके में अगर एक झटके में दस हजार किलो खरीदता हूं तो एक लाख किलो खरीदने के लिए मुझे दस ऑर्डर्स देने पड़ेंगे इसका मतलब एक लाख किलो अपॉन टेन थाउजेंड दस ऑर्डर ए अपॉन क्यू विल गिव मी नंबर ऑफ ऑर्डर और सौ रुपया एक ऑर्डर की कॉस्ट है तो उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर मुझे मिल जाती है और अदर मिल जाता है फॉर्मूला फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन क्यू इंटू इन टू ओ ओ तो एक लाख किलो खरीदने के लिए दस दस हजार का लॉट जाएगा तो साल में दस ऑर्डर्स प्लेस करोगे हर एक ऑर्डर का सौ रुपया तो हजार रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी पूरे साल के लिए लेकिन एक झटके में जब दस हजार किलो आता है ना तो दस हजार किलो मुझे स्टोर करना पड़ेगा तो आज मेरे गोडाउन में दस हजार किलो होगा लेकिन कल वो दिखेगा नहीं क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ कंज्यूम तो होता रहेगा हर दिन कुछ ना कुछ कंज्यूम होता रहेगा ऑफ जीरो जाने से पहले हम लोग ने नया लॉट मंगा लिया होगा पर ये ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं जैसे सपोज ये जेके जीरो जीरो अगर ये जेके जीरो जीरो नंबर है तो दस हजार किलो आपने मंगा लिया एक भी दिन आप दस हजार का बैलेंस नहीं देखोगे एक्सेप्ट द फर्स्ट डे हर दिन बैलेंस कम होते 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 फाइनली जीरो पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब देर इज नो वन स्पेसिफिक क्वांटिटी विच इज हेल्ड आज दस हजार है कल साढ़े नौ हजार होगा फिर एट थाउजेंड थ्री फिफ्टी होगा फिर सेवन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी हो सकता है फिर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड हो सकता है फिर टू थाउजेंड फोर कुछ भी हो सकता है यार तो अगर मेरे पास कोई ठोस क्वांटिटी नहीं है इफ आई डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच इज हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर व्हिच इज हेल्ड एवरी डे ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर तो मुझे तो एवरेज लेना पड़ेगा जब अपने पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं होती वी ऑलवेज गो फॉर एवरेज और एवरेज लेने के लिए मुझे लेना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब इसका मतलब दस हजार का ओपनिंग स्टॉक जीरो का क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू यानी कि दस हजार प्लस जीरो अपॉन टू यानी कि दस हजार अपॉन टू यानी कि 5000। तो मेरी एवरेज क्वांटिटी 5000 है मेरी एवरेज क्वांटिटी 5000 है और मुझे स्टोर करने के लिए खर्चा करना पड़ता है बीस रुपया पर किलो पर एनम तो लाख रुपया तो मेरा खर्चा होगा रहा लाख रुपए तो मेरा खर्चा होगा कैरिंग पे सो वन लाख वन थाउजेंड वन लैख वन थाउजेंड मेरा खर्चा होगा अगर मैं अगर मैं दस हजार यूनिट खरीदता हूं तो मुझे कैरिंग कॉस्ट कैसे मिली दस हजार खरीदा प्लस जीरो क्लोजिंग दस हजार प्लस जीरो दस हजार सो क्यू अपॉन टू मुझे एवरेज देता है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ Carrying one unit for one year. ये देता है एवरेज इन्वेंट्री अरे समझ में आई बात अरे इज दलियर तो दस हजार किलो खरीदने के बाद एक झटके में दस हजार किलो खरीदने के बाद स हजार मिलता है कम होते जाता है तो ओपनिंग इज टेन थाउजेंड क्लोजिंग इज जीरो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग यानी कि प्लस जीरो मतलब टेन थाउजेंड अपार के बदले पांच सौ किलो खरीदू तो एक लाख किलो का डिमांड पूरा करने के लिए 500 किलो के हिसाब से मुझे 200 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे हर एक ऑर्डर का खर्चा सौ रुपया तो दो सौ ऑर्डर का हो जाएगा बीस हजार लेकिन मेरी क्वांटिटी होगी सिर्फ पांच सौ तो पांच सौ का ओपनिंग जीरो का क्लोजिंग टोटल पांच सौ पांच सौ फिफ्टी एवरेज इन्वेंट्री और बीस रुपया कैरिंग तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसका मतलब समझ समझ रहे हो क्या आपने कैरिंग कॉस्ट कम करनी चाहिए लाख रुपए की कैरिंग कॉस्ट मुझे बेर नहीं करनी मुझे उसको कम करना है तो दस हजार के बदले मैंने ऑर्डर कम किया स्टोर कम करना पड़ा लेकिन अगर आप कैरिंग कॉस्ट कम करने जाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है If you try to bring down your carrying cost, your ordering cost will shoot up. If you try to bring down your ordering cost, carrying cost will shoot up. That means they are inversely related. Inversely related matlab, if you bring down ordering cost, your carrying cost will shoot up. If you bring down carrying cost, your ordering cost will go up. But even if they are inversely related, you can see at one point of time, at, at one point of time, at one point of time, they are equal. Voh level. जिस लेवल पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरी कैरिंग कॉस्ट सेम होगी मुझे वो लेवल चाहिए जिस लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होगी तो ऑर्डरिंग और कैरिंग को सेम रखना है तो टू इंटू ए इंटू ओ क्यू इंटू क्यू इन सी तो आएगा टू ए ओ अपॉन सी क्यू स्क्वा टू एन सी अगर ये फॉर्मूला में यूज करूं रूट ऑफ टू एन सी तो मुझे वो क्वांटिटी मिलेगी जो मेरा कॉस्ट मिनिमाइज कर देगी कैसे देखो लाख किलो का ए है तो टू इन टू ए टू लाख 2 lakhs into this 20, 20 by this 10, 10 टू Q is equal to 1000. अब एक हजार किलो खरीदता हूं मैं साल का अब एक झटके में तो साल का एक लाख खरीदने के लिए हंड्रेड ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे आई नीड वन लाख के बाइंग ओवरियड 100 orders will be placed over a period of one year. 100 orders into 100. 100 into 100. This will be 10,000. And since I am ordering 100, my average inventory will be 500. Each kg cost me 20. 500 kgs will cost me 10,000. That means my total cost here is 20,000 if I place an order for. इफ आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर थाउजेंड केजीज और गौर से देखिए आप, आपको पता चलेगा अगर मैं थाउजेंड के जीज एक लॉट में खरीदता हूं तो मेरी कॉस्ट सिर्फ बीस हजार है इफ आई ऑर्डर मोर देन दउजेंड माई कॉस्ट इज गोइंग अप इफ आई ऑर्डर लेस दैन थाउजेंड माई कॉस्ट इज स्टिल गोइंग अप

मैंने इओ से ज्यादा मंगाया कॉस्ट बढ़ गई और ये ईओ से कम मंगाया तो भी कॉस्ट बढ़ गई मतलब मेरे लिए बेस्ट क्वांटिटी हमेशा ऑर्डर करने के लिए ईओ होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कॉन्सेप्ट समझा हमेशा लाइफ में याद रखना अगर मुझे कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, आई विल ऑलवेज प्लेस एन ऑर्डर फॉर इ्यू मुझे ही चाहिए मैं और कोई क्वांटिटी खरीदना नहीं चाहता क्योंकि जब मैं ईयो क्यू खरीदता हूं मेरे लिए मेरी कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमेशा मिनिमम होंगी जब भी मैं इो क्यू से ज्यादा खरीदता हूं या कम खरीदता हूं माई कॉस्ट इज गोइंग अप तो फिर मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर इज इ्यू आपको समझ में आई बात आर यू गाईज वेरी क्लियर अबाउट इट यस सो नाउ फिर भी अगर मुझे ईओ क्यू से शिफ्ट होना है सप्लायर बोलता है कि साहब

Eoq ओ क्यू टू अगर मैंने Eoq ओ हज़ार किलो मंगाने के बदले टेन थाउजेंड के मंगाना शुरू कर दिया तो क्या होगा तो क्या होगा बीस हजार के बदले कॉस्ट हो जाएगी वन लाख वन एटी वन थाउजेंड की एक्सेस कॉस्ट है फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं ये एक्सेप्ट करूं तो आप मुझे एटी वन थाउजेंड का डिस्काउंट दे दो एक लाख किलो पे पूरे साल भर में एक लाख खरीदूंगा पूरे साल भर में 81,000 का डिस्काउंट चाहिए मतलब इट इज राउंड अबाउट 0.81 पर के जी क्योंकि आप डिस्काउंट दोगे ना आप डिस्काउंट दोगे तभी तो जाके काम कर सकता हूं मैं सर तभी तो जाके काम कर सकता हूं मैं सर मैं हजार से दस हजार पे जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बीस हजार से एक लाख एक पे जाएगी आप अगर फिर भी मुझे एटी वन थाउजेंड का डिस्काउंट देते हो तो आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल क्योंकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट एंड कैरिंग बढ़ने वाली है आप डिस्काउंट दोगे तो मेरी बाइंग कॉस्ट कम होने वाली है से ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट कैरिंग बढ़ेगी बाइंग कॉस्ट बाइंगउजेंड से कम होगी तो मेरी मटीरियल और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बात समझ में आई तो लाइफ में हमेशा याद रखना इफ यू वॉन्ट मी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर क्यू

उसके बाद ये लोग आपसे पूछ सकते हैं कि देयर इज अ प्रपोजल विद अ 5% डिस्काउंट इफ यू ऑर्डर सम अदर क्वांटिटी बस आपको यही इवैल्यूएट करते रहना है ईओक्यू पे कॉस्ट कितनी है और आगे प्रोसेस करने के आई मीन वो डिस्काउंट लेने के बाद क्वांटिटी चेंज करने के बाद कॉस्ट कितनी है अगर आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट नई नवेली कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम होती है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल क्या होता है कभी-कभी एक्सेस ऑफ

अगर डिस्काउंट के बाद भी टोटल कॉस्ट कम नहीं होती तो आई कॉस्टिंग प्रिफर ईओक्यू दोनों कवर कर लिया अब चलते हैं सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक लेवल की तरफ जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्टॉक लेवल। अब ये स्टॉक लेवल होती क्या है देखो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक आने के बाद ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी आपने ये तो देख लिया हाउ मच टू ऑर्डर हाउ मच टू ऑर्डर तो आपने देख लिया लेकिन आपके लिए ये भी जरूरी होता है जानना कि व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर मेरा स्टॉक दस हजार पे पड़ा है फैक्ट्री में दस हजार किलो का स्टॉक पड़ा है यह दस हजार किलो का स्टॉक कम होते 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 जीरो तो नहीं पहुंचने दूंगा मुझे ऐसे लेवल पे नया स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि बाय द टाइम आई रिसीव द मटीरियल बाय द टाइम आई रिसीव द फ्रेश लॉट आई शुड बी हैविंग मी टू कैरी ऑन द कंजम्पन प्रोसेस सो माई करंट स्टॉक लेवल माई करेंट स्टॉक लेवल इज टेन थाउजेंड आई एम एट थाउजेंड केजी मेरे पास दस हजार किलो का माल पड़ा है दस हजार नहीं कन्फ्यूज कर रहा है तो बारह हजार ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है कम होते जा रहा है हर दिन कंजम्पन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एवरी डे समे इी ऑर्डर लेवल इज द लेवल फॉर योर रीऑर्डर लेवल ये स्टॉक की लेवल है जिस पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो नए लॉट के लिए e ये वो क्वांटिटी है जो आप ऑर्डर करते हो रीऑर्डर लेवल पे और रिओर्डर e लेवल वो level, वो लेवल लेवल स्टॉक की है जिस पे आप ईओ क्यू ऑर्डर करते हो आप समझ में आप समझ रहे हो जैसे पाव भाजी खाने बैठे हो जनरली पाव भाजी के साथ दो पाव आते हैं. अब दो पाव प्लेट में खत्म करने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे तो बैठे रहना पड़ेगा तो जनरली दो पाव में से एक पाव खत्म हुआ एक ही पाव प्लेट में बचा है आप नए ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके प्लेट में जो एक पाव बचा है दैट इज योर री ऑर्डर लेवल एट विच यूर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर टू पाव और भैया दो पाव लाना ये क्या हुआ सो इो क्यू इज अ क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर बट आर ओ एल इज अल एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर तो इसके लिए तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और अदर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी लीड टाइम मतलब आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो जोमेटो जैसा तीस मिनट में नहीं आता यू हैव टू वेट फॉर वन डे टू डेज थ्री डेज वन वीक प्रॉबली टू वीक्स तो लीड टाइम ज अ टाइम इंटरवल एंड कंजम्शन पैटर्न इज यउस एक्टिविटी आपको अगर चलो आपको अगर सेवेंटी फाइव केजीस जनरली पर डे आपको अगर सेवेंटी फाइव केजीस चाहिए पर डे आपको अगर सेवेंटी फाइव केजीज चाहिए पर डे तो दैट बिकम्स यूर नॉर्मल कंजम्शन लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि आपने 100 किलो कंज्यूम किया कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि आपने 50 भी कंज्यूम किया है लेकिन मैं 50 और 100 पे बेस नहीं बना सकता ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ये कभी कभार होता है नॉन रिकरिंग है आई आई कैन नॉट रिलाई ऑन दैट जनरली नीड और माल भी जनरली छ दिन में मिल जाता है कभी कभार आठ दिन भी लगा था कभी चार दिन भी लगा था अगर आपको कभी कभार चार दिन में माल मिला है आठ दिन भी लगा है कैन यू रिलाय ऑन समथिंग विच इज हैपनिंग विद हैटनटी नो यू कांट यू कांट डू दैट बराबर ना सो व्हाट डज दैट मीन अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि किस लेवल पे स्टॉक ऑर्डर करूं अब रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूलाज होते हैं एक कंजर्वेटिव फॉर्मूला और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक फॉर्मूला कंजर्वेटिव फॉर्मूला ये बोलता है कंजर्वेटिव फॉर्मूला ये बोलता है कि भाई 100 किलो का जनरली मेरा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है यार मैक्स टू मैक्स 100 किलो लगेगा मुझे लीड टाइम आठ दिन मतलब मैक्स मैक्स टू मैक्स मुझे आठ दिन रुकना पड़ सकता है बॉस आठ दिन रुकना पड़ेगा मैक्सिमम और सौ केजीज मुझे लगेगा मैक्सिमम पर डे तो 800 के लेवल पे मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं 800 के लेवल पे अगर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी तो माल आते आते मैक्सिमम आठ दिन वेट करना पड़ेगा और मेरे पास मैक्सिमम आठ दिनों का मैक्सिमम कंजम्पन बतौर स्टॉक अवेलेबल है आई विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक इसीलिए ये लोग कहते हैं इट इज मैक्सिमम कंजम्पन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम इसीलिए ये लोग कहते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज मैक्सिमम कंजम्पन एंड मैक्सिमम लीड टाइम आपको समझ में आई बात कंजर्वेटिव अप्रोच जीरो रिस्क

ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि बाबा इतना क्यों डरता है तू इतना का है डरता है 75 तेरी हर दिन की रिक्वायरमेंट है छह दिन तेरा नॉर्मल टाइम है तो बॉस साढ़े चार सौ किलो का तेरा कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पे होता है हर दिन आपको सेवेंटी फाइव लगता है हर बार आपको छः दिन रुकना पड़ता है मतलब आपको छः दिन का सेवेंटी फाइव के के हिसाब से फोर फिफ्टी का कंज़म्पशन होता है बराबर अब ये फोर फिफ्टी का कंज़म्पशन होता है तो थोड़ी सी रिस्क है अगर मैं फोर फिफ्टी का स्टॉक रखूं तो यहाँ पे कंसेप्ट कहता है कि चलना ठीक है रो मत पचास का थोड़ा सेफ्टी स्टॉक रख दे और पाँच के लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर तो पहले जहां पे ऑर्डर जाती थी 800 के लेवल पे अब वो ऑर्डर जाएगी अब वो ऑर्डर जाएगी 500 के लेवल पे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अब देख के पता चलता है, तो है। तो आठ दिन लगने वाले मैक्सिमम और मैं मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम स्टॉक लेके बैठ मतलब इधर तो देख के पता चल रहा था आई विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक उट उट लेकिन यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे मुझे पता चल रहा है कि सेवेंटी फाइव हर दिन चाहिए छह दिन नॉर्मली लगता है तो सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स की मेरी जरूरत है लेकिन अगर थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो तो ठीक है यार पचास का सेफ्टी स्टॉक रख दे और पांच सौ पे मंगा तो अगर मैं पांच सौ पे मंगाता हूं तो आई एम एक्सपोज टू द रिस्क दैट इज वॉट अप्रोच मतलब क्या यू आर टेकिंग रिस्क अरे तुम लोग बिजनेस क्यों करते हो प्रॉफिट के लिए ना अगर आप सेफ्टी स्टॉक अगर आप अगर आप 100% सेफ्टी चाहोगे तो एवरी सेफ्टी कम्स एट अ कॉस्ट योर कॉस्ट विल आल्सो बी हाई योर प्रॉफिट विल बी मिनिमाइज्ड बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो लोगे आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो लोगे क्या रिस्क लिया आपने आई एम एक्सपोज्ड टू द रिस्क चांस है कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊं

तो ये होता है आपका नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम प्लस आपका सेफ्टी स्टॉक प्लस आपका सेफ्टी स्टॉक जिसे मिनिमम लेवल स्टॉक भी कहा जा सकता है आपका सेफ्टी स्टॉक जिसे मिनिमम लेवल स्टॉक भी कहा जा सकता है ऑप्टिमिस्टिक होने का फायदा क्या है 800 किलो सेव करने के बजाय आप सिर्फ 500 किलो सेव करोगे तो 300 किलो की कैरिंग कॉस्ट 100 परसेंट बचेगी अगेंस्ट दैट आर जस्ट एक्सपोज टू रिस्क दैट इज फाइन अगर मुझे कोई फायदा होता है तो मैं रिस्क लेने को तैयार क्योंकि मैंने बिजनेस किया है फॉर प्रॉफिट ओनली और देखो कैन यू टेल मी हंड्रेड परसेंट दैट ऑफ स्टॉक नो इज अ चांस हो भी सकता हूं नहीं भी हो सकता हूं लेकिन एक चीज याद रखिए आप हर बार 300 किलो की कैरिंग कॉस्ट तो सेव करोगे पहले 800 के लेवल पे आपको कुछ भी करके ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती थी अब तो मैं 800 देखता ही नहीं हूँ

फिर दूसरी लेवल होती है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मतलब वो सेफ्टी लेवल ऑफ स्टॉक जिस पे टच करने के बाद आपको आपके मटेरियल के लिए फॉलो अप लेना शुरू कर देना चाहिए और ये हुआ आपका मिनिमम लेवल स्टॉक मतलब सेफ्टी स्टॉक आपने क्या किया था सेफ्टी स्टॉक को आपने एड किया था नॉर्मल कंजम्शन एंड नॉर्मल लीड टाइम में टू नो द रिडर लेवल अब देखो मैं क्या कर रहा हूं what am I doing now? ROL minus normal consumption into normal lead time will be minimum stock level. आर का ऑप्टिमिस्टिक फॉर्मूला है नॉर्मल इंटू नॉर्मल प्लस मिनिमम लेवल तो यही नॉर्मल इंटू नॉर्मल अगर मैं आर से माइनस करूं तो मुझे मिनिमम लेवल स्टॉक मिल जाएगा इंडस्ट्री में हमेशा सेफ्टी स्टॉक पहले डिसाइड होता है फिर उसमें नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम ऐड करने के बाद आर निकाला जाता है सो द डेरिवेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक फॉर्मूला

मैक्सिमम लेवल स्टॉक अब मैक्सिमम लेवल स्टॉक होगा कैसे मैक्सिमम लेवल स्टॉक मतलब इतनी क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी मुझे स्टोर करने की नौबत आ सकती है हाउ मच मैक्सिमम क्वांटिटी हाउ मच इज द मैक्सिमम विल बी रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय मी ऑन एनी वन गिवन डे अब ध्यान से सुनना सपोज आपका री लेवल है हजार किलो आपका री लेवल है हजार किलो कितना है आपका री लेवल हजार किलो हजार किलो पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आपके ईओक्यू का जो है फिफ्टीन हंड्रेड मतलब हजार किलो पे जैसे ही आपका स्टॉक पहुंच जाता है आप पंद्रह सौ का ऑर्डर प्लेस करते हो बट उसी दिन नहीं आएगा स्टॉक आज अगर थाउजेंड की ऑर्डर प्लेस कर दी तो आज के आज फिफ्टीन हंड्रेड मिलता तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल हो जाती आज लेकिन आपका ईओक्यू डिलीवरी में या तो आठ दिन ले सकता है या फिर छह दिन ले सकता है या फिर चार दिन भी ले सकता है। यू और ये सारे दिन

1500 आ जाता है 800 किलो कंज्यूम होते होते 1500 किलो आ जाता है इसका मतलब 1000 पे था 1500 ऑर्डर कर किया, 800 किलो कंज्यूम हुआ मतलब आई एम एट 200 और फिर 1500 मिल रहा है मतलब ऑन दैट डे आई एम हैविंग 1700 केजीस विद मी ऑन दैट डे आई एम हैविंग 1700 केजीस विद मी लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो तो सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स का कंजन होगा हजार के लेवल पे हो फोर फिफ्टी का कंजप्शन हो गया तो फाइव फिफ्टी पे आप पहुंचे फाइव फिफ्टी पे आज पहुंचे हो और फिफ्टीन हंड्रेड मिल रहा है तो उस दिन टू थाउजेंड फिफ्टी का बैलेंस आपके पास रहेगा लेकिन अगर कहीं आप मिनिमम की बात करोगे तो सिर्फ 200 किलो का कंजम्पन हुआ है आपका कंजम्पन हुआ है सिर्फ 200 किलो का 200 किलो का आपका कंजम्पन है हजार पे आपने ऑर्डर प्लेस की थी 200 किलो का कंजम्पन हुआ दैट मीन आपको 800 पे और आपको 1500 मिलता है मतलब आपके लिए 2300 स्टॉक हो गया तो यार ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक है जो मुझे स्टोर करना पड़ सकता है अब लॉजिकली सोच के देखो ऑर्डर लेवल पे अगर आप EOQ के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो तो मीन वाइल कंजम्पन अगर मिनिमम होता है फॉर मिनिमम होता है फॉर मिनिमम लेट टाइम तो ही स्टॉक ज्यादा बचेगा ना अरे बाबू अगर मेरा कंजम्पशन मिनिमम है तो मेरा स्टॉक मैक्सिमम बचेगा मैं कंज्यूम कम करूं तो ज्यादा बचेगा समझ में आ रहा है और सारा एग्जांपल आपके नजर के सामने जिगर के पास पड़ा है जब मेरा कंजम्पशन मैक्सिमम था आई वाज हैविंग अ लेसर स्टोरेज हजार के लेवल पे मैं 1500 ऑर्डर करता हूं और 1500 आते आते अगर मैं कंजम्पशन मिनिमम रखूं तभी तो मेरा स्टॉक मैक्सिमम होगा 2300 पे ऐसे डिराइव होता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल और फिर आती है एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल तो डिस्कस करने जैसी ही नहीं है क्या ही डिस्कस करूं मैं एवरेज स्टॉक में इट इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन लेकिन एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपको पहले मैक्सिमम निकालना पड़ता है फिर मिनिमम निकालना पड़ता है और मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने के लिए आपको सबसे पहले आर ओ एल ढूंढना पड़ता है समझे ना तो सबसे पहले ढूंढेंगे आर ओ एल आर ओ एल ढूंढने के बाद हम ढूंढेंगे मिनिमम फिर मैक्सिमम और फिर एवरेज आएगा एक और कंजम्पशन लेवल होती है एक और स्टॉक लेवल होती है level, danger level. Danger level का मतलब तुम लोग इस कदर नीचे आ चुके हो स्टॉक में कि अब आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो आपका नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो भी लटकने वाला है

समझा अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल में एक चीज याद रखना अगर मुझे ईओक्यू पे फिलहाल ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉस्ट मिनिमाइज होती है लेकिन अगर कोई डिस्काउंट देता है तो मैं कोई और क्वांटिटी भी खरीद सकता हूँ इन दैट केस मेरे पास ईओक्यू नहीं होगा आरओक्यू होगा आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी प्रेफरेबली इट शुड बी ईओक्यू आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी प्रेफरेबली इट शुड बी ईओक्यू अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है, मेरा पैसा है तो आई कैन मुझे दो तो हजार किलो का परचेज आई विल स्टार्ट बाइंग टेन थाउजेंड सो इन दैट केस मैं ई क्यू ऑर्डर नहीं करूंगा आरओ क्यू ऑर्डर करूंगा तो बेसिकली आरओ क्यू इज अमन नेम री ऑर्डर क्वानिटी Preferably it should be EOQ because you want to minimize your cost. Hota hai aapka stock level. Let's go for questions. Question number one. P Limited manufactures two products called X and Y. Both products use common raw material Z. Raw material Z is purchased at the rate of 72 per kg from the market. So this is buying cost for us. The company has decided to review the inventory management policies for the forthcoming year. The following forecast information has been extracted from the departmental estimates of the year ended 31st March 2025, which is a budget period. This is what we are planning to sell. We want a closing stock. Finished goods stock increase by year end is uh, 320. ओके पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट इज 4% परसेंट एंड सिक्स परसेंट मटीरियल यूसेज पर कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड नेट ऑफ वेस्टेज इज 5 एंड 6 मटेरियल वेस्टेज इज 10% परसेंट एंड फाइव मतलब 10% वेस्ट होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा Additional information, usage of raw material Z is expected to be at a constant rate over the period. Annual cost of holding one unit of raw material in stock is 11% of material cost. This is C, carrying cost for us. Cost of placing order is 15,600 per order. So that's O for us, ordering cost the management of t limited has decided that there should not be more than 40 orders in a year. there should not be more than 40 orders in a year for raw material z required. prepare a production budget of product x and y units for the year ended 31st march 2025. calculate economic order quantity for z in kg's. And then two more things are asked. First we will go for the initial calculation. What are they asking for? They are asking for production budget. So, it is part A production budget. now guys if it is production budget production of finished goods right so we have two types of finished goods we have product x and product y and my material is needed for producing product x and y both so x and y are my finished goods now how much is your quantity to be sold? so it's 28,000 and 13,000. guys, you want to sell 28,000 and 13,000. finished goods stock increase by year end. and you want stock to be 320 and 160. स्टॉक शुड गो ऑफ सो दिस इज एडिशनल क्वान्टिटी रिक्वायर्ड इनक्रीज इन स्टॉक द्री ट्वेंटी एंड वन सिक्सटी करेक्ट इसका मतलब ये मुझे ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी यूनिट्स बनाने होंगे एंड थर्टीन वन सिक्सटी यूनिट्स बनाने होंगे दिस इज दिस शुड बी योर गुड प्रोडक्शन क्वेश्चन कहता है फोर परसेंट ऑफ एक्स एंड सिक्स परसेंट ऑफ वाई विल बी रिजेक्टेड यार मतलब मुझे अगर नाइन्टी मैंने अगर हंड्रेड बना दिए तो चार रिजेक्ट होंगे 96 एक्सेप्ट होंगे और मैंने अगर ऑफ एक्स बना दिया तो उसमें से 94 एक्सेप्ट होंगे तो अगर मुझे गुड आउटपुट 96 का चाहिए मुझे हंड्रेड बनाना पड़ेगा मुझे गुड आउटपुट 94 का चाहिए तो मुझे हंड्रेड बनाना पड़ेगा सो so बेसिकली हमें जो आंसर मिला है 28, 320 थ्री 13, एंड उसको मैं 96 परसेंट एंड 94 परसेंट से डिवाइड करना हूँ। This is what you are supposed to produce. So that is your production budget. See rejection consider karna. Wastage ni nah. wastage will come into picture when we discuss, when we will start consuming the material. We are not consuming material. We are simply finding out production. So प्रोड्यूस होगा बेचने के लिए जाएगा रिजेक्ट होके वापस आएगा सो ओनली रिजेक्शन इज टू बी टेकन केयर ऑफ वेस्टेज विल बी कंसिडर्ड वैन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन प्रोसेस वो आएगा बाद में लेकिन इतना मुझे बेचना है उस इतना स्टॉक चाहिए तो इतना गुड आउटपुट गुड प्रोडक्शन मेरे पास होना चाहिए लेकिन फोर परसेंट अगर वापस आता है तो नाइनटी सिक्स परसेंट ही मार्केट में चलता है सो आई वांट दिस टू बी नाइनटी सिक्स परसेंट तो मुझे ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड बनाना पड़ेगा सो दैट फोर परसेंट रिजेक्शन होने के बाद भी आई विल एबल टू सेटिसफाई द डिमांड फॉर गुड प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे जिस उन्होंने पूछा है ई ऑफ जेड यो क्यू ऑफ जेड टू एन सी आप कोई और फॉर्मूला यूज कर दो तो वो भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता टू ए सी ए अपॉन सी आई वाला लोगे तो भी चलेगा नाउ हियर ए स्टैंड फॉर योर एन्युअल परचेज ऑफ रॉ मटीरियल नाइदर वी नीड कंजम्पन nor we need finished goods, we need raw material to be consumed. O stands for cost per order and your C stands for carrying cost per kg per annum. कैरिंग कॉस्ट पर के जी पर एनम सो आई आई गेस अपने पास सब कुछ है सिवाय ए के सो वील ए, एंड इफ यू रिकलेक्ट योर बजेटरी कंट्रोल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंजम्शन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ परचेज आप क्यू कंज्यूम करते हो क्योंकि आपको फिनिश गुड्स बनाना है और कंजम्पन इसलिए करते हो कि आपको प्रोडक्शन करना है तो कंजम्पशन के लिए हम परचेस करना पड़ेगा ना सो कंजम्शन इज द रीजन फॉर परचेज सो प्रोडक्शन बजट तो है अपने पास वी कैन डायरेक्टली गो फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजेट नाउ अगेन वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ मटीरियल जेड सो रॉ मटीरियल कंजम्प्शन एंड परचेज बजेट आई एम प्रिपेरिंग आई एम कीपिंग इट सिंपल आई एम कीपिंग इट नॉर्मल आई एम कीपिंग इट रूटीन ओके रॉ मटीरियल कंजम्प्शन एंड परचेज सबसे पहली बात quantity to be consumed. They go. X and Y ki requirement alloga. Twenty nine five hundred and fourteen thousand. Twenty nine five hundred and fourteen thousand is the requirement. मुझे फाइव के और सिक्स के का मटेरियल चाहिए हर एक यूनिट के लिए सो वन फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड मुझे कंज्यूम करना है एंड एटी फोर थाउजेंड मुझे कंज्यूम करना है लेकिन अगर ये मैं कंज्यूम करता हूं तो प्रोड्यूस होते होते इसमें से भी वेस्टेज निकलेगा सो आफ्टर कंसीडरिंग वेस्टेज

वन सिक्सटी थ्री एट 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 और आई वुड से एट एट नाइन के एंड फॉर वाई इसका वेस्टेज फाइव परसेंट है मतलब सौ किलो डालोगे तो 95 फाइव ही यूजेबल कंडीशन में जाएगा मतलब This will be divided by ninety five percent, eighty four divided by ninety five percent, eighty eight four twenty one kgs. So total purchase quantity 163, 889, 252 two one two fifty two three hundred and ten i am supposed to buy two fifty two three hundred and ten i'm supposed to buy rate is seventy two per kg सेवेंटी टू पर के जी सो वन करोर एटी वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन करोर एटी वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी ये आ गई मेरी परचेज की प्राइस ओके परचेज क्वांटिटी कितनी है टू फिफ्टी टू थ्री वन जीरो सो टू इं टू टू फिफ्टी टू थ्री वन जीरो इन टू ओ कितना है आपका फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपने कैरिंग कॉस्ट बोली थी 11 परसेंट लेवन परसेंट ऑफ 11 परसेंट ऑफ इट हैज टू बी बाइंग कॉस्ट 72 का माल खरीदता हूं तो 72 टू पे करता हूं

ये होगा आपका ये होगा आपका ई क्यू समझा दिस पार्ट क्लियर ओके पार्ट ए इज ओवर पार्ट बी में पूछा था प्रिपेयर परचेज बजट ऑफ मटेरियल जेड इन केजीज एंड वैल्यू आपको पता चला मैंने यह हरकत क्यों की देखो परचेज क्वांटिटी बजट तो बनाना ही था बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड आउट ए एनुअल बट जैसे एनुअल मिल गया आई मल्टीप्लाई बाय द प्राइस एंड दिस इज वेयर आई गॉट माय आंसर फॉर पार्ट बी वन करोर एटी वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड थ्री ट्वेंटी एंड दिसेज Now let us understand what is asked in part C. If there is a sole supplier for the raw material Z in a market and the supplier do not sell more than 4000 kgs of material Z at a time. So the orders lot, lot size is 4000. If the lot size is 4000 maximum orders will be 40. वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के जीस कैन बी मेड अवेलेबल ओके कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी एंड द प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इंटू कंसिडरेशन कैलकुलेट द मैक्सिम नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई बी प्रोड्यूसड मतलब अगर मैं ये करता हूं अगर मैं वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यूज कर लेता हूं तो ए और बी के कितने यूनिट्स बनेंगे दिस इज वॉट दे हैव हैवस्टेस्ट टू फाइंड आउट अरे सिंपल है आप एक ऑर्डर में फोर थाउजेंड केजीस खरीदोगे योर रिवाइज क्यू विल बी फोर थाउजेंड योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी Forty max. Question says keeping the policy and quantity mix into consideration. If I see, I want to calculate this after considering the company's policy. And company's policy is not to place. Company's policy is not to place more than forty orders in a year. So maximum orders forty So mm -hmm. forty into four thousand, one lakh sixty thousand material can be consumed or rather purchased and of course consumed. So, quantity to be used will be 4000 kgs into 40 160,000 kgs, 160,000 kgs.

तो इनका कंज़म्पशन का रेशो क्या था दिस वॉज द फाइनल रेशो फॉर कंजम्पशन वन सिक्सटी थ्री एट एट नाइन वन सिक्सटी थ्री एट एट नाइन एस टू एटी एट फोर ट्वेंटी क्वेश्चन क्या बोला था After considering company's policy. Company की पॉलिसी क्या है चालीस ऑर्डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है? तो मुझे इतना पता चला, मतलब इसी रेशियो में कंजम्शन होना चाहिए तो वन सिक्सटी थ्री एट एट नाइन प्लस एटी एट फोर टू वन टू फाइव टू थ्री वन जीरो

0, 7, आई बात समझ में आपको समझा दो चीजें कांस्टेंट रखनी है कंपनीज़ पॉलिसी चालीस ऑर्डर से ज्यादा नहीं बंदा कितना बेच रहा है फोर थाउजेंड तो मैं कितना कलेक्ट कर सकता हूँ रिसीव कर सकता हूं परचेस कर सकता हूं अक्वायर कर सकता हूँ प्रोक्योर कर सकता हूँ वन लाख सिक्सटी अब वन लाख सिक्सटी हमको यूज करना है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट मिक्स भी सेम रहेगा तो हम लोग ने जिस रेशो में पहले यूज किया था वही रेशो यूज कर लेंगे तो मतलब मेरे पास बचता है लेकिन मेरी बात समझो ये तो आप परचेज करोगे एक्स के लिए टेन परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉस है बी के लिए फाइव परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉस है एक्स के लिए टेन परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉस मतलब नाइंटी परसेंट विल बी कन्वर्टेड नाइन्टी परसेंट विल बी यूज कंडीशन में होगा और इसका फाइव परसेंट मतलब नाइंटी फाइव परसेंट यूजेबल कंडीशन में होगा वन जीरो थ्री नाइन टू नाइन इंटू नाइनटी परसेंट

जीस आव यू अंडरस्टुड दिस तो फिर इसमें से कितने यूनिट्स बन सकते हैं? फिनिश गुड्स पॉसिबल ओ ए वच इज माई कंजम्पन रिक्वायरमेंट फाइव केजीज एंड सिक्स के जीस ना अरे तो फिर सिंपल है नाइन्टी थ्री फाइव थर्टी सिक्स केजीस में फाइव केजीज पर यूनिट के हिसाब से नाइन्टी थ्री थर्टी सिक्स सेवन यूनिट्स फिनिश गुड्स के बन सकते हैं और वाई में बॉस 53 थ्री टू सिक्सटी सेवन केजीज है हमारे पास ईच फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 6 kgs per unit 53267 divided by 6 kgs 8878 8878 8, 8, 8 units of finished goods are possible understood this so this was the first part production budget ये परचेज क्वांटिटी जिसको यूज करके आपने यो क्यू निकाल लिया फिर परचेस बजट मांगा था वो भी दे दिया उसी में आई स्टार्टेड विथ पार्ट सी कंपनी की पॉलिसी थी 40 ऑर्डर्स चार हज़ार किलो एक ऑर्डर पर मैक्सिम लैसटी आ सकता है वी वर आल्सो सपोज टू फॉलो द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ओके तो मेरे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए लेकिन मैं इतना कंज्यूम करता हूँ तो टेन परसेंट लॉस होने के बाद ये मिलेगा अवेलेबल होगा फिनिश गुड्स एक्चुअल कंजम्पशन के लिए आफ्टर कंसिडरिंग पार्ट आफ्टर कंसिडरिंग देड इधर भी इतना अवेलेबल होगा फॉर कंजम्पशन पांच किलो लेता है एक यूनिट ऑफ एक्स और छह किलो लेता है एक यूनिट ऑफ वाई अकॉर्डिंगली फिनिश गुड्स कैलकुलेटेड सो दैट वाज योर लिटिल वियर्ड क्वेश्चन व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव डन बाकी तो जेके एंड प्रैक्टिस मैनुअल आई मीन द स्टडी मटेरियल एमटीपी टी आर मोर देन इनफ हैव अस टाइम बाय बाई